दोस्तों, मेरा नाम है आरके श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टारगेट इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दोस्तों विद्युत घात तथा उपचार। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके विषय में आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब किसी बिजली इंसान को घर के बाहर, जैसे देख लीजिए लिखा हुआ है घर के बाहर, मतलब कोई भी आदमी है उसको उसके ऊपर बिजली का तार अगर गिर गया है टूट करके, तो उसको हम कैसे बचाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा आदमी है उसको हम, उसके ऊपर बिजली का तार पड़ा हुआ है तो लकड़ी की छड़ी से तार को घायल व्यक्ति से दूर करेंगे। और उसको हटाने के लिए लकड़ी की छड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं या रबड़ के दस्ताने का भी हम उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि देखिए दोस्तों वीडियो में आपको, चित्र में आपको दिख रहा होगा। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, अगर घर के अंदर है, ये तो घर के बाहर का हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर घर के अंदर है तो घर के अंदर सबसे पहले हम स्विच को बंद करेंगे और प्लग बाहर निकाल दें, उसके बाद लकड़ी या छड़ी से तार को घायल व्यक्ति से दूर करें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये तीसरा है दोस्तों विद्युत आघात के परिणाम। इसमें क्या होता है, श्वास क्रिया की मांसपेशियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, त्वचा जल जाती है। जब किसी आदमी को विद्युत आघात होता है तो उसकी श्वास की जो मांसपेशियां हैं वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और जो उसकी जो स्किन होती है वो जल जाती है। तो उसमें उपचार क्या करेंगे दोस्तों, तंग कपड़ों को ढीला कर दें, जो उसके टाइट कपड़े हैं उनको ढीला कर दें, बनावटी श्वास दें, मतलब कृत्रिम जो श्वास ब्रीदिंग होती है वो दें, और जला हुआ हो तो उसका उपचार करें, जो मतलब स्किन जली हुई हो उसका उपचार करें। विद्युत रोधक वस्तु पर खड़े होकर घायल का स्पर्श करें, मतलब जो जैसे इंसुलेटर के ऊपर, जैसे कि लकड़ी हुआ, पेपर हुआ, रबर मैट हुआ, इसके ऊपर खड़े होकर के ही जो हमारा जिसको हम विद्युत आघात हुआ है उसको हम छुएं। उसके बाद दोस्तों अचेत व्यक्ति को कोई भी वस्तु पीने के लिए ना दें। जो व्यक्ति जिसको विद्युत आघात हुआ है तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है कि वो व्यक्ति सेंस में होता नहीं है, हम उस व्यक्ति को हमें कोई भी चीज़ पीने के लिए लिक्विड चीज़ हमें नहीं देनी चाहिए, पानी वगैरह नहीं देना चाहिए। फिर क्या होता है दोस्तों, कृत्रिम श्वास क्रिया। इसमें क्या होता है कि हम उसको पेट के बल इस तरह हम लटा देंगे और उसके ऊपर पीछे से हम उसके ऊपर दबाव डालेंगे पेट पे उसके, तो जिससे क्या होगा कि अंदर की हवा मुँह से बाहर निकलेगी और जैसे ही हम हाथ हटाएंगे तो वो जो बाहर से जो हवा होगी वो उसके पेट में जाएगी, तो उससे क्या होगा कि उसको सांस मिलता रहेगा। तो ये क्रिया हमको बार बार करनी है। उसके बाद दोस्तों जो घायल व्यक्ति है, एक तरीका और भी होता है, घायल के कंधे को ऊपर करके सिर को पीछे की ओर लटका दें, कलाइयों को सीने पर दबाएं, मतलब कलाइयों से, मतलब इस तरह से दोस्तों पेट के ऊपर जो सीने के ऊपर है हाथ हम उसका रख देंगे और दबाएंगे। और दूसरा दोस्तों तरीका होता है, ये देख लीजिए दबाएं और ये बार बार यही क्रिया हम करते रहें, खींचें उसको हम, तो भी उससे आदमी को सांस मिलती रहेगी। और उसके बाद दोस्तों मुँह द्वारा भी सांस हम दे सकते हैं, जिसे उसके मुँह पर मुँह लगा करके हम तेज़ी से हम ब्लो करें तो उसको सांस, कृत्रिम सांस मिल जाएगी। उसके बाद आपातकालीन स्थिति में हम डॉक्टर का उपयोग कर सकते हैं, डॉक्टर को हम बुला सकते हैं, बिजली घर पे हम फ़ोन करके हम उस तार, जो कि तार जो डैमेज हो चुका है, गिर चुका है, उस तार को हम में सप्लाई जो चल रही है उस सप्लाई को बंद करने के लिए हम बिजली मतलब पावर हाउस में हम फ़ोन कर दें और एम्बुलेंस को हम जल्दी से जल्दी अपने पास बुला लें। और चूंकि उससे फायर जो हुआ है इसलिए अग्निशमन केंद्र को हम बुला लें और पुलिस स्टेशन को भी हम संपर्क कर दें। तो आपात स्थिति में इन चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं नॉर्मली। तो ये हुआ दोस्तों जो विद्युताघात तथा उपचार का जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, हम उसको बता देते हैं। इसके बाद एक दोस्तों चार्ट और भी है हमारा। दोस्तों अगला जो चार्ट है हमारा वो ये है कि सड़क दुर्घटना में विद्युताघात व्यक्ति का प्राथमिक उपचार। सबसे पहले तो हम इस तरह, जैसे ही मैंने बताया आपको कि रबर के दस्ताने लगा करके हम उस पर से और लकड़ी के डंडे से हम उस तार को अलग कर देंगे। और जब ये घर के अंदर होगा तो सबसे पहले हम रबर के जो हमारा तार होगा उसको हम लकड़ी के डंडे से उठाएंगे और प्लग को हम निकाल देंगे और हम
तुरंत डॉक्टर को हम फ़ोन करके हम बुला लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये है, जैसे आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसको विद्युत का तार छू गया है, तो उस वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लग को बंद करेंगे, स्विच को बंद करेंगे और व्यक्ति को हम उस तार से अलग करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये है दोस्तों, विद्युत की मरम्मत के समय पाँव के नीचे रबर मैट, मतलब जब भी आप बिजली के मतलब बोर्ड है या किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, तो उस वक्त सबसे पहले आप अपने पैर के नीचे आप लकड़ी का एक प्लेट पटरा डाल लें, पेपर डाल लें, पेपर का बंडल रख लें, रबर की सीट रख लें, जिससे इस पर खड़े होकर के ही हम कोई काम करें। उसके बाद दोस्तों यह है हमारा, घायल या मृत ना समझें, किसी भी घायल को व्यक्ति को हम मृत ना समझें कि वो मर चुका है, तो उस कंडीशन के लिए हम उस व्यक्ति को डॉक्टर के लिए तुरंत हम उसके पास डॉक्टर के पास तुरंत फ़ोन करें कि जिससे वो आदमी की जान बचाई जा सके। उसके बाद सांस लेने का, ये मैंने आपको बताया ही, दबा करके पेट के बल लिटा करके हम उसके ऊपर दबाव डालें। और आग लगे भवन के, अगर बिजली किसी चीज़ भी घर में हमारी आग लग जाती है विद्युत से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस घर का जो मेन स्विच होगा उसको हम बंद कर देंगे, जिससे कि विद्युत सप्लाई जाना बंद हो जाएगी और आगे जो आग लगने वाला होगा वो हमारा बच जाएगा। ये है दोस्तों, श्वास बाहर निकालने के लिए छाती पर दबाव डालें, ठीक है दोस्तों, और छाती खोल कर श्वास अंदर आने दें, छाती को खोल दें और जिससे सांस अंदर आती रहेगी हमारी। उसके बाद दोस्तों आप, मैंने बताया आपको, हॉस्पिटल को आप फ़ोन करोगे, डॉक्टर को फ़ोन करोगे और एम्बुलेंस को आप, पुलिस को भी सूचना दे दोगे आप, और जो हमारा फायर स्टेशन है उसको भी आप सूचना दे दोगे। और अचेता अवस्था में व्यक्ति जो भी होगा उसको आप लिक्विड तो बिल्कुल ही नहीं दोगे, क्योंकि लिक्विड तो बिल्कुल देना ही नहीं है। तो ये हुआ दोस्तों बेसिक जानकारी, विद्युताघात से जो मतलब दिक्कत में आया है व्यक्ति है उसको बचाने के लिए। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें। दोस्तों अच्छे से अच्छा मैं आपको वीडियो देने की पूरी कोशिश करता हूं और करता रहूंगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिल पाए। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।